रामपुर के जिला अधिकारी आनंद जे कुमार ने तहसील स्वार में अवैध खनन के खिलाफ छापामार कार्यवाही की है। इस दौरान जिलाधिकारी अपने पूरे दलबल के साथ उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर पर हो रहे अवैध खनन पर कार्यवाही की। इस छापामार कार्यवाही में जिला अधिकारी ने 4 ट्रक सीज किए और 25 से 30 ट्रकों को कब्जे में लिया। अवैध खनन का काला कारोबार यह लोग इन ट्रकों से कर रहे थे। इस दौरान जिला अधिकारी के साथ साथ एसडीएम, अपर पुलिस अधीक्षक सहित राजस्व के कई कर्मचारी भी साथ थे। इस दौरान तहसील स्वार में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। रामपुर की तहसील स्वार जो अवैध खनन के नाम पर बहुत मशहूर है, इससे पहले भी यहां रहे 2 जिला अधिकारी इस अवैध खनन की कार्यवाही में पहले फंस चुके हैं। अब जब से जिला अधिकारी आनंद जे कुमार ने रामपुर का चार्ज लिया है, तब से वे अवैध खनन के सख्त खिलाफ हैं। उसके बावजूद तहसील स्वार में अवैध खनन का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस छापामार कार्यवाही के बारे में हमने जिला अधिकारी आनंद जे कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पर बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। काफी जगहों पर यहां पर गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे यहां पर पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वह तो हो ही रहा है, लेकिन यहां के लोगों को भी इससे बहुत परेशानी है। बहरहाल अब इसकी जांच की जा रही है। अभी हम सीजर कर रहे हैं और इसके बाद जांच की जाएगी। यहाँ पर पोकलैंड के साथ साथ एक नदी के पानी खींचने की मशीन लगा रखी थी। 3 से 4 ट्रक जनपद रामपुर की साइड में मिले हैं, जिनको हमने सीज कर दिया है। करीब 25 से 30 गाड़ियां वहां खड़ी है, डंपर है, ट्रक है और मिट्टी खोदने और रेता निकालने के औजार भी हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यहाँ पे बड़े पैमाने पे खनन हो रहा है और काफी जगहों को यहाँ पे गहरे गहरे खोद दिया गया है, जिससे यहाँ पे जो प्रॉब्लम पर्यावरण को हो रहा है वो हो ही रहा है, यहाँ के निवासियों को प्रॉब्लम हो रहा है। और खनन पे इतनी सख्ती के बावजूद इन लोगों का इस तरह से खनन करना बहुत दिक्कत की बात थी। हम लोगों ने यहाँ छापा मारा तो उन लोगों ने यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ है कि उत्तराखंड के बॉर्डर पे हैं या उत्तराखंड में है या पट्टा उनका उत्तराखंड से, उसकी जाँच कर रहे हैं। और जाँच करने के बाद अभी सीजर हम कर रहे हैं, उसके बाद उसकी जाँच की जाएगी। जाँच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे एक पोकलैंड के साथ साथ पानी खींचने के लिए नदी से उन्होंने पूरी मशीन लगाई हुई है। जो जो लोग हमें मौके पे मिले उन लोगों का कहना था कि वो उनका नहीं है। 3-4 ट्रक यहाँ पे रामपुर की साइड में मिले हैं, मतलब जनपद की साइड में लेके जाते हुए, उनको भी हमने सीज किया। और करीब 25 से 30 गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, डंपर हैं और जो मिट्टी खोदने और रेता निकालने के औजार भी। सर ये जो पट्टा चला रहे हैं, ये किसके नाम से पट्टा चला है सर? ये उत्तराखंड में पट्टा, यूपी में खनन कर रहे हैं सर? बिल्कुल, ये हमने लोग आपने सारे लोकेशंस देख लिए, ये जो सीमा है वही उत्तर प्रदेश के अंदर है और रामपुर जनपद के अंदर सीमा है। उस पर फर्दर इंक्वायरी कर रहे हैं, हमारे SDM और बाकी सारे अधिकारी आ गए हैं, जो राजस्व के अधिकारी हैं, खनन के अधिकारी भी आ रहे हैं और उस पर बाकायदा उसका वेरिफिकेशन करने के बाद उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरीके की बहुत सारी शिकायतें हैं कि उत्तराखंड से परमिट लेके उत्तर प्रदेश की सीमा में खनन करते हैं और इसी शिकायत पे कार्रवाई की गई है। पहले भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था और इसमें लापरवाही भी जिसकी पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।